बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये Realme 3i का फ़ोन है और कस्टमर का कहना है कि उसका डाटा बचाना है और फ़ोन जो एक्चुअली आया था वो हैंग ऑन लोगों पे। तो Samsung का MMC लगा था, तो इसके अंदर जो हेल्थ है एकदम कम्प्लीटली हेल्थ जो है एकदम ख़राब हो गया, ठीक है, यानी बैड हो गया है। तो आज हम उस हेल्थ को कैसे रिपेयर करेंगे, यानी कि ये चेंजिंग प्रोसेसिंग है, ठीक है, तो चेंजिंग प्रोसेसिंग है तो कैसे हम इसको, अगर हमारे पास MMC का प्रॉब्लम आया इस तरीके से का, तो कैसे हम उसको चेंज करते हैं। तो कस्टमर का कहना है कि उसका डाटा इम्पोर्टेंट है, डाटा चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सक्लूड जो डम है, एक्सक्लूड डम को रीड करते हैं। तो डम जो है रीड होने में, एक्सक्लूड डम रीड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको जो रिपेयरिंग चेंजिंग का प्रोसेसिंग है, चेंजिंग का प्रोसेसिंग कर रहा हूँ U5 बॉक्स के अंदर, यानी कि डिब्बे के अंदर जो इसका MMC है, MMC निकाल के इसकी जो हेल्थ है उसको रिपेयर करूँगा, यानी कि चेंजिंग वाला प्रोसेसिंग। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो यानी कि डम है, एक्सक्लूड डम, अभी रीड होना स्टार्ट हो गया और अभी रीड हो रहा है। कम्प्लीटली उसको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और लंबा हो जाएगा इसके वजह से। तो वीडियो को फुल अस करिएगा तभी पता चलेगा। और कम्प्लीटली फ़ोन को ऑन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट में, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर सबसे बड़ा एक चीज़ है, इसके ऊपर आप लोग अगर सोचोगे कि इसका एक्सक्लूड डम लेके मैं फ़ोन को ऑन करूंगा, ये गलत बात है। एक इसकी सिंपल सी फंडा है जो अनलॉक है, अनलॉक टूल के अंदर आप इसको सबसे पहले कम्प्लीटली डम जो है, डम को रीड करके आप उसको रख सकते हैं। रीड करके रखने के बाद आप ये जो डम है, इस डम के अंदर आपका फ़ोन जो है एरर भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली फ़ोन जो है चालू भी नहीं हो सकता है। तो हम उसके जगह क्या करेंगे कि अनलॉक टूल के अंदर या फिर UMT के अंदर उसकी जो डम है, कंप्लीट डम जो एक्सक्लूड डम है, डम को हम रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद अगर कुछ एरर आया इस डम के अंदर, एक्सक्लूड डम देने के बाद अगर कुछ एरर आया, तो हम जो एक्सक्लूड डम लेके रखे हैं उसके अंदर हम फ्लैश करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा और कस्टमर का जो डाटा है, डाटा भी बच जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिए तभी पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये चेंजिंग का प्रोसेसिंग क्या है और कैसे चेंज होता है। और मैं आज आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे इसकी जो MMC है, MMC का हेल्थ रिपेयर होता है और RPM भी क्लीन करके कैसे MMC को कंफर्टेबल MMC को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और साथ में मेरा जो नया भाई है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप की जो वीडियो है मैं हमेशा अपलोड करते रहूँगा। जो जो भाई MMC की काम अगर उसको नहीं आता है, कम्प्लीटली नया है, तो मेरा वीडियो देख के वो बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करिए तभी पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। आगे बहुत सारा प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक्सक्लूड डम है, ठीक है। तो अभी ये डम जो है रीड हो रहा है, आगे इसकी जो प्रोसेसिंग है मैं करूँगा और आप लोग फुल वॉच करिए तब भी पता चलेगा, फुल वॉच करिएगा वीडियो को, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, अभी वीडियो तो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो एक्सक्लूड डम जो है, एक्सक्लूड डम या आप लोगों को रीड करने में लगभग आधा घंटा लग ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा जो रीड चल रहा है, रीड कर रहा हूँ मैं, आगे इसकी जो प्रोसेसिंग है कंफर्टेबल करूँगा
वीडियो को फॉलो करिएगा फ्रेंड्स।